हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीबी व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों आप जैसे ही अपने जीबी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला मैसेज शो होने लग जाता है। तो दोस्तों आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते रहिए बिना स्किप किए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसी का ही 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आप मेरे फ़ोन में यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में फिर से यहाँ पे जीपे व्हाट्सअप चलने लग गया है। दोस्तों पहले मेरे फ़ोन में भी यही वाला मैसेज शो हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब मेरे फ़ोन में यहाँ पे फिर से जीपे व्हाट्सअप चलने लग गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने फ़ोन में जीपे व्हाट्सअप चलाना है तो दोस्तों आप मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने फ़ोन में जीपे व्हाट्सअप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने फ़ोन में जीबी व्हाट्सएप को फिर से चलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। और दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप को सर्च कर लेना है। दोस्तों व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है। और दोस्तों परमिशन अलाउ करने के बाद आपको इसमें अपना नंबर डाल के अपने अकाउंट को यहाँ पर बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास OTP भी आ चुका है। और ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे फिर से बन चुका है। दोस्तों मुझे यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी अपने फ़ोन में ऑफिशियल व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों ऑफिशियल व्हाट्सअप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बाहर आ जाना है। और दोस्तों बाहर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मेरी होम स्क्रीन के ऊपर जीबी व्हाट्सअप दिख रहा है। तो दोस्तों ये जीबी व्हाट्सअप का ऑफिशियल वर्जन है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो दोस्तों आपको भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इस जीबी व्हाट्सअप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों जीबी व्हाट्सअप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। और दोस्तों ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं डालना है। दोस्तों ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट दिख जाते हैं, तो दोस्तों आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंकस कंपेनियन डिवाइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे एक दूसरा फ़ोन है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसका यूज़ करके इसका एक फ़ोटो ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे QR कोड का फ़ोटो ले लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको दूसरे किसी फ़ोन से इसका एक फ़ोटो ले लेना है। और दोस्तों फ़ोटो लेने के बाद आपको फिर से अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। और दोस्तों होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको फिर से अपने वही ऑफिशियल वाले व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फिर से ऑफिशियल व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है। और दोस्तों ऑफिशियल व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद आपको ऊपर ट्रिपल डॉट दिख जाएंगे, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक का डिवाइस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कैमरा ओपन होने के बाद अभी जो आपने दूसरे फ़ोन से उस QR कोड का फ़ोटो खींचा था ना, तो दोस्तों आपको इस फ़ोन से उस QR कोड को स्कैन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से उस QR कोड को स्कैन कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन होने लग गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एंड्रॉइड 14 का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या हुआ है ना, आपका जो ये वाला व्हाट्सअप है ना, वो आपके यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको फिर से अपने जीबी व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप को ओपन कर लिया है। और दोस्तों मेरा जीबी व्हाट्सअप यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जीबी व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे वही सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं जो यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप में आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि कैसे यहाँ पे जीबी व्हाट्सअप को चालू करना है। तो दोस्तों इसी ट्रिक का यूज़ करके आप भी अपने फ़ोन में जीपी व्हाट्सअप को चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर देना।